गौतम बुद्ध की बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी होंगी और किसी भी कहानी को पीआरएच कर आपके मन में ये विचार नहीं आया होगा कि इस कहानी को पढ़कर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बुद्ध से जुड़ी हुई हर कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज जो गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी हम लेकर आए हैं वो आपको सिखाएगी कि किस तरह हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी इस जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। हर किसी के अपनी जरूरत के अनुसार गोल्स या लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य बनाना तो आसान होता है, लेकिन उस तक पहुंचना या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना आसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो अपने गोल्स को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ होते हैं जो एक कॉपी में अपने गोल्स लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। पहली बात तो साफ है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और बाकी की जरूरी बातें अब आप इस गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए समझेंगे। ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो हर गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते। उनकी बातें हर किसी के जीवन को एक नया मोड़ देती थीं। उन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता। जितना भी ज्ञान बुद्ध अपने प्रवचन के जरिए देते वो उसे अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेता। उसका लक्ष्य था कि वो भी बुद्ध की तरह एक आध्यात्मिक और परम ज्ञानी बने। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति को साल भर हो गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो खुद को वैसा ही पाता जैसे वो एक साल पहले था। उसे लगने लगा कि बुद्ध के ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसके जीवन में कोई बदलाव आ पाया, ना वो एक ज्ञानी बन पाया और ना ही उसका लक्ष्य पूरा हो पाया। इस बात से नाराज होकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने साल भर आपके प्रवचन सुने, जो भी ज्ञान आपने दिया वो सब मैंने अपनाया, लेकिन उस ज्ञान से मुझमें कोई बदलाव नहीं आया और आज भी मैं पहले जैसा ही एक साधारण इंसान हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किस गांव से आए हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वहां तक की दूरी कितनी है? क्या तुम यहां बैठे बैठे पल भर में अपने गांव पहुंच सकते हो? बुद्ध के सवाल सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो बोला, मेरा गांव बहुत दूर है, सही रास्ते पर और पैदल चले बिना मैं वहां नहीं पहुंच सकता। पल भर में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। गौतम बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हें अपने गांव की दूरी पता है, अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन जब तुम इस जानकारी के अनुसार चलोगे तभी अपने गांव पहुंच पाओगे। उसी तरह मुझसे जो ज्ञान तुमने लिया है उसे जब तक तुम अपने व्यवहार में नहीं लाओगे और उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे तो तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं कर पाओगे। जितना जरूरी लक्ष्य की जानकारी होना है उतना ही जरूरी है उस लक्ष्य को पाने के रास्तों का पता होना। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब तुम उस पर अमल करोगे, इसी तरह लक्ष्य भी तभी पूरे होंगे जब उन पर कार्य करोगे। इस कहानी को सुनकर ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी लक्ष्य बनाने से पूरा नहीं होते बल्कि उन पर कार्य करने से वो पूरे होते हैं। हम लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उनके अनुसार काम नहीं करते और फिर वो लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। जब भी आप कोई गोल बनाएं तो उसे पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। मन में ये विचार ना लाएं कि कल कर लूंगा या ये गोल तो मैं ऐसे ही अचीव कर लूंगा। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह बिना सही नक्शे के एक अच्छा घर नहीं बन सकता, उसी तरह बिना प्लानिंग के गोल अचीव नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य की जानकारी हर किसी को होती है लेकिन उस जानकारी पर हर कोई काम नहीं कर पाता। आपने भी जिंदगी में बहुत गोल्स बनाए होंगे लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कभी कोई प्लान नहीं बनाया होगा और वो गोल आज भी अधूरे ही होंगे। ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, मेरे खुद के कई गोल्स हैं जो किसी डायरी के पन्ने में दबे हैं और आज भी अधूरे ही हैं। ये कहानी आपके और मेरे लिए एक सबक है कि लक्ष्य बनाओ तो उसे पूरा करने का एक प्लान जरूर बनाओ, तभी वो लक्ष्य पूरा होगा। आई होप गौतम बुद्ध की कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। ऐसी ही और भी बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल पर जुड़े रहें।